हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट एम फार्म कॉलेजेस अंडर AKTU। AKTU ऑल्सो नोन एज द अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, उसके अंडर में जितने एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ऑल्सो कुछ प्राइवेट एंड कुछ गवर्नमेंट। तो कौन कौन से कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो जिसका NRF रैंकिंग अच्छा है, जिसका अप्रूवल PCI एंड AICTE से अप्रूवल है, एंड विथ ऑल अदर नेसेसरी डेटा को हम लोग बेस करके यहाँ पे मैंने कुछ बेस्ट कॉलेजेस और टॉप कॉलेजेस के लिस्ट यहाँ पे दिए हैं, जिनको आप लोग चूज कर सकते हो फॉर योर MPharm काउंसलिंग। ऑल्दो आपको पता है कि रिसेंटली AKTU ने नोटिस दिया है, जिस नोटिस के जो वीडियो है डेडिकेटेड, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग जाके ज़रूर उसको चेक कीजिए। वहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ पे बताया गया है कि AKTU का जो MPharm के लिए जो काउंसलिंग होने वाला है, या फिर MPharm या MTech, वो कॉलेज को डायरेक्टली करने के लिए बोला गया है काउंसलिंग। मतलब कि कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब AKTU के वेबसाइट पे आपको कोई भी काउंसलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा फॉर दिस ईयर 2022। कॉलेज को बोला गया है कि आप लोग डायरेक्टली स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन के लिए ओपन करो, नोटिफिकेशन दो, एंड 30 नवंबर से पहले आप लोग एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करो। जस्ट बिकॉज कि AICTE PG जो स्कॉलरशिप है फॉर GPAT एंड GATE क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, वो 30 नवंबर को लास्ट डेट है। इसीलिए ये कहा गया है कि 30 नवंबर से पहले आप लोग अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करो एंड एंड करो, ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस। तो इसीलिए मैं ये वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि कौन से कॉलेजेस में आप लोग एम फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फर्स्ट जो कॉलेज है उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट कॉलेज जो मैंने यहाँ पे दिया है वो है NIET, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। NIET एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, एंड 2022 के जो NRF बैंड रैंकिंग है उसमें इसका NRF रैंकिंग आया है 39। अब सबको पता है कि जो AKTU है, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो इसके अंडर गवर्नमेंट कॉलेज तो ज़्यादा नहीं है फार्मेसी के लिए, लेकिन प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं किया है। बहुत ही गिने चुने कॉलेज यहाँ पे मैंने रखा है, जिनको आप लोग चूज़ कर सकते हो सारे को, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है कि ये वन है ये टू है तो ऐसे मुझे यही चाहिए। ये सारे जो आप लोग देखेंगे आगे जाके, ये सारे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इनको आप चूज़ ज़रूर कीजिए। आप इनमें से कोई भी अगर आपको मिलता है AKTU के अंडर में, तो आप लोग चूज़ कर सकते हो, सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा था NIET ग्रेटर नोएडा के बारे में, इसका AICTE अप्रूवल है, ठीक है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकेमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ पे MPharm होते हैं, एंड NRF रैंकिंग इसका 2022 में है 39। एंड इन सारे कॉलेजेस का जो बाकी सारे डिटेल्स है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कॉलेजेस का लिंक एक ही बार देख दिया है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिए। आपको वहीं से हर एक कॉलेज के नोटिफिकेशन सेक्शन से हमको मिलेगा कि कैसे वो लोग एडमिशन लेंगे, किस बेसिस पे, अगर कोई एडमिशन फॉर्म फिलअप के तरीके से, कोई एग्ज़ाम की तरफ से ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कोई कोई डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है मेरिट के थ्रू, और कोई कोई ऐसे नॉर्मल फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग हर एक वेबसाइट को विजिट करो, जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का नाम यहाँ पे मैं बताऊँगा, हर एक का वेबसाइट नीचे दिया है, हर एक कॉलेज की वेबसाइट्स को आप विजिट करो, एंड विजिट करने के बाद वहाँ पे एडमिशन सेल पे कॉल करो और उनको पूछ लो कि इस बार के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करेंगे तो यह है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसके अंडर है स्कूल ऑफ फार्मेसी, ठीक है। KIET बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, इसके अंडर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं नॉर्मली, इसीलिए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। इसके अंदर स्कूल ऑफ फार्मेसी है, जहाँ पे BPharm MPharm होते हैं, इसका भी AICTE अप्रूवल है इसके पास भी, एंड NRF रैंकिंग इसका आया है 97, थोड़ा दूर है, लेकिन स्टिल इट्स अंडर NRF रैंकिंग, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये तीन सब्जेक्ट यहाँ पे है फॉर MPharmacy। आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे, फोटो मैंने इसीलिए रखा है ताकि आइडेंटिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा है। थर्ड नंबर पे जो कॉलेज है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है PSIT कानपुर, ठीक है। PSIT के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, तो बीइंग फार्मासिस्ट चैनल से आप लोग उसको ढूंढ सकते हो, PSIT कानपुर। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे फैकल्टीज एंड
फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे। NRF रैंकिंग ऑल दो यहाँ पे नहीं है, इसके आगे जितने भी कॉलेज है और NRF रैंकिंग नहीं है, बस इन दोनों को ही मिला था, लेकिन स्टिल इट इज़ अ गुड कॉलेज, AICTE अप्रूव्ड है। तो जितने भी सारे AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनको आप लोग फर्स्टली फॉलो करो, क्योंकि अगर आप GPAT क्वालिफाइड हो तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, बाकी सारे में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो सीटिक्स एंड कोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, दो कोर्स यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो वो है MIET, ठीक है, MIET जो कि मेरठ में सिचुएटेड है। इसके पास AICTE अप्रूवल नहीं है, ठीक है, एंड NRF रैंकिंग में ये है भी नहीं। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी दो कोर्सेज है। MIET भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, ऑल्दो ये AICTE अप्रूवल नहीं है। तो मैं यहाँ पे GPAT वालों को यहाँ पे इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग अगर नॉन GPAT हो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, कॉलेज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं तो वो है IPSR, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च। बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, AKTU के अंडर में AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। कोर्सेज की बात करें तो सीटिक्स एंड कोलॉजी दो कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, कॉलेज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो 6 नंबर पे मैंने BBDIT इसको रखा है, बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज है ये, इसका नाम मैंने बहुत सुना है, रिव्यू भी बहुत अच्छा है, AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूशन है। एंड यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो सीटिक्स, कोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तीन कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, ये आर्यकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंडर में कॉलेज है, आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, AICTE अप्रूव्ड है। एंड यहाँ पे सीटिक्स, कोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीन कोर्सेज है फॉर MPharmacy, ठीक है, NRF रैंकिंग नहीं है बट स्टिल इट्स गुड कॉलेज, इसको भी आप लोग चूज कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो है डॉक्टर KN मोदी इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है ये, 8 नंबर पे मैंने इसको रखा है, AICTE अप्रूव्ड है ये इंस्टीट्यूट। एंड यहाँ पे सीटिक्स एंड केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको भी आप लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते तो 9 नंबर पे मैंने रखा है भारत इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट में AICTE अप्रूवल है इसके पास। सीटिक्स एंड कोलॉजी दो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है फॉर MPharmacy, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, इसको भी आप लोग चूज कर सकते हो। तो 9 नंबर तक जितने भी कॉलेजेस थे एक को छोड़ के सारे AICTE अप्रूव्ड थे, ठीक है, लेकिन अभी 10 नंबर से एक दो कॉलेजेस यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है स्पेशली फॉर नॉन GPAT स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी इससे आगे जितने भी कॉलेज है 10 से लेके ये सारे नॉन GPAT स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि AICTE अप्रूवल नहीं है इन किसी के पास सबसे पहले। लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि इसको दूर रखा है तो ये कॉलेज अच्छा नहीं है, इसको दूर बस इसी रीज़न से मैंने रखा है क्योंकि AICTE अप्रूव्ड नहीं है, बट दे बोथ आर गुड कॉलेज, ठीक है। सबसे पहले जिसको बात करेंगे वो है ITS कॉलेज ऑफ फार्मेसी गाजियाबाद, ITS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंडर है ये ITS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, AICTE अप्रूव नहीं है, NRF रैंकिंग में नहीं है, लेकिन कोर्सेस है सीटिक्स एंड कोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको भी आप लोग चूज करो अगर आप स्पेशली नॉन GPAT स्टूडेंट हो तो। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं तो 11 नंबर पे मैंने रखा है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIT, उसके अंडर है SOP मतलब स्कूल ऑफ फार्मेसी, इसका नाम आई होप आप सभी ने सुना होगा, KIT बहुत फेमस है, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सीटिक्स एंड केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट अवेलेबल है MPharm के लिए, ऑल दो GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा, बट स्टिल ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, फॉर नॉन GPAT स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि AICTE अप्रूव नहीं है। 12 नंबर पे मैंने रखा है GIPS और गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड साइंस, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सीटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एनालिसिस कोर्सेज अवेलेबल है फॉर MPharmacy, ठीक है, MPharm स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फॉर नॉन GPAT बहुत प्रेफरेबल है ये इंस्टीट्यूट। GIPS एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, इसको भी आप लोग चूज कर सकते हो। सो दीज आर ऑल इंस्टीट्यूट्स जो कि अच्छे थे, जिनको मैंने बहुत फिल्टर लगा के बेस्ट कॉलेज के अंडर इंक्लूड किया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे कॉलेजेस है, सारे में से मैं बस इन्हीं को लिस्ट में रख पाया हूँ, क्योंकि बाकी सारा मुझे प्रेफरेबल इतना नहीं लगा। अगर आपको लगता है कि इनको छोड़ के भी कोई कॉलेज होना चाहिए इस लिस्ट में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर कमेंट आके पढ़ता है आपका तो बहुत वैल्यूएबल होगा उसके लिए, उस कॉलेज को भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। अगर आपने AKTU के अंडर किसी और कॉलेज से किया है एंड आपको लगता है कि आपका कॉलेज BPharm एंड MPharm के लिए सही है या फिर सही है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो कि नहीं यहाँ पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि उस कमेंट को पढ़ के कोई अनदर स्टूडेंट जिनको यहाँ पे नहीं मिला तो उसको वहाँ पे मिल सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you very much.